Hello student, welcome in the session number 4. In this session we are discuss about the some special features of the Google search engine, Google web browser, such as that how we can open the new window, how we save the search past history, how we delete the search past search history, how we use the safe search, what are the some social search engine, Google social search, what are the Google instance, what are the some extent feature of the Google search engine. First we are discuss about the safe search. What is the safe search? Safe search basically it prevent the user access, you prevent the unauthorized access of the data stored on the client side or system. Suppose आप अगर कोई भी content access करना चाहते हैं, कोई भी content Google से search करते थे, तो उस content particular content के according क्या होता है, हमारे पास एक log file generate हो जाता है, इसको हम cookies के form में. हमें चाहते हैं कि जब भी कोई भी content हम सर्च करें तो इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे कुकीज़ में, कुकीज़ नाम के फाइल में स्टोर्ड ना होने पाए. इससे क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जब भी इस कुकीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मीन्स आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं जा पाएगी जो उसको एक्सेस करना चाहता है. सेकेंड थिंग इज द सर्च स्टैटिक्स. व्हाट इज द सर्च स्टैटिक्स? सर्च स्टैटिक्स बेसिकली इट इज द मैकेनिज्म व्हिच इज जस्ट शो द हाउ मेनी नंबर ऑफ पेज सर्च एंड विद इन हाउ मच टाइम. बेसिकली इट शो द, सपोज आपने कोई भी कंटेंट सर्च करने की कोशिश की, सर्च करने के लिए आपने सर्च बार में टाइप किया. टाइप करने के बाद जैसे आपने उस पर सर्च बटन पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्टैटिक्स आती है कि हमने करंट टाइम पे इतने कंटेंट को सर्च किया, नंबर ऑफ कंटेंट को, फिर पर्टिकुलर ये कंटेंट हमारे किस किस पेज को बिलोंग कर रहा है और हर कंटेंट हाउ मच टाइम टेकन बाय द गूगल सर्च इंजन टू डिस्प्ले दैट पेज. इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट है, ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, इस पेज के अकॉर्डिंग हमारा ये कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है. मीन्स हम पर्टिकुलर सबको देख लेते हैं कि ये कंटेंट है, ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये कंटेंट है, ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये कंटेंट है, ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये कंटेंट हमारा इतना टाइम पे डिस्प्ले किया. मीन्स हमारा स्टेटिक्स, पूरी पूरी स्टेटिक्स आ जाती है कि हमारा टाइम कितना लिया, कितने का पेज हमारे डिस्प्ले हुए, कौन सा कंटेंट हमारा किस पर्टिकुलर पेज पर डिस्प्ले हुआ. इसके बाद हम सब देखते हैं गूगल लोगो. व्हाट इज द गूगल लोगो? गूगल डूगल फॉर द डे, द न्यू गूगल डूगल फॉर द डे. व्हाट इज द सेम? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली द एडवांस्ड गूगल सर्च इंजन विच इज यूज टू एक्सेस, विच इज यूज टू सर्च द रिजल्ट मोर फेवरेट, मोर ऑप्शन, मोर फेवरेबल इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, लोगोज एज वेल एज वीडियोज. सर्च रिजल्ट्स. व्हाट इज द सर्च रिजल्ट्स? अब सपोज करिए कोई भी कंटेंट अगर आपको सर्च करना है, कोई भी कंटेंट आपने सर्च किया, उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ पेज वेब पेज पे अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ पेज वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट. मीन्स अब सारे के सारे कंटेंट एक पेज पे तो डिस्प्ले कर नहीं सकते. मीन्स देयर इज नो इनफ स्पेस टू डिस्प्ले द ऑल कंटेंट विद इन वन पेज. मीन्स यू रिक्वायर्ड मोर देन वन पेज. तो व्हाट आर द व्हिच कंटेंट डिस्प्ले फर्स्ट पेज, विच आर कंटेंट डिस्प्ले सेकंड पेज, विच कंटेंट डिस्प्ले थर्ड पेज, विच कंटेंट डिस्प्ले मोर देन वन एंड एनथ पेज. तो दिस द कंटेंट प्रायोरिटी और कंटेंट रैंकिंग इज शोन बाय द पेज रैंक, इज डिस्प्लेड बाय द पेज रैंक. नेक्स्ट वन पॉइंट हियर इज द पेज रैंक. व्हाट इज द पेज रैंक? पेज रैंक बेसिकली द प्रेफरेंस और वी कैन से दैट द रैंकिंग ऑफ द कंटेंट ऑन द वेबसाइट. Means what are the content, which content is ranked first, which content is ranked second, which content is ranked third on the website. On the behalf of that, the content will display on that page which have more page ranking, which display the first page, which have less ranking, which display in the less page or another page. Title. What is the title? Title, suppose करें if you have search any content on the Google server, तो what the first title, first line of the search result is called the title of the web page. Suppose आपने कोई भी content search किया, जो content search करने के बाद वो particular site की particular जो भी content है उसमें content से related जो भी पहली line होती है, first line होती है, वो line हमारी कहलाती है कि title of the web page. Means if you click on that page, you saw the title of that content will display on the title bar. Second things, what URL? What is the URL? URL basically uniform resource locator. It display in the green line and it shows the address of that page stored on the website. Means ये जो आपका particular page है, ये particular page आपके site पे
किस एरिया में डिस्प्ले हो रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया पे डिस्प्ले हो रहा है, किस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे कंटेंट अवेलेबल है, किस पर्टिकुलर सर्वर के किस पर्टिकुलर पेज पे ये टाइटल डिस्प्ले हो रही, इसको आपको शो करता है URL। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्निपेट। व्हाट इज द स्निपेट? स्निपेट बेसिकली इट डिस्प्ले द ये स्नैपशॉट ऑफ दैट पेज। सपोज आप देखते हैं कि जब भी क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में एक्चुअली पेज उसी पेज का एक स्नैपशॉट दिखता है। मीन्स अगर आप इफ यू क्लिक ऑन दैट पेज यू सॉ द पेज लाइक दैट। इस तरीके से क्या करते हैं हम ये देख लेते हैं बिना विदाउट ओपनिंग द पेज यू कैन सॉ द व्हाट आर द कंटेंट ऑन दैट पेज। दिस इज कॉल्ड स्निपेट। कैश्ड। व्हाट इज द कैश्ड? गूगल क्रॉल द वेब एंड टेक स्नैपशॉट ऑफ ईच पेज। व्हेन यू क्लिक कैश यू विल सी द वेब पेज एज इट लुक्ड व्हेन यू लास्ट इंडेक्स्ड इट। मीन्स जब भी आपका पेज देखते हैं हमारे पास एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेता है और जब भी हमारे पास उसको ओपन करते हैं तो लास्ट कंटेंट जो भी आपने सर्च किया था उस पेज पे वो क्या होता है हमारा कंटेंट कैश से डिस्प्ले कर देता है। द कैश लिंक वुड नॉट अपीयर फॉर साइट दैट हैड बीन इंडेक्स्ड और फॉर एनी साइट हुज ओनर रिक्वेस्ट दैट वी रिफ्रेन फ्रॉम कैचिंग देयर कंटेंट। ठीक है, मीन्स कैचिंग हमारे पास एक स्पेशल फीचर, लेकिन ये हर साइट पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुछ साइट्स क्या होते हैं कि हमारे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर साइट के कंटेंट को कैच नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिमिलर। व्हाट इज द सिमिलर? क्लिक सिमिलर टू सी अदर वेबसाइट दैट आर रिलेटेड टू दैट रिजल्ट। मीन्स आपने अगर एक पॉइंट को सर्च किया, एक पर्टिकुलर सर्च किया, तो आप ये भी देख सकते हो कि ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर कंटेंट कितनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे अंदर अवेलेबल है। कहीं और किसी साइट्स पे, किस साइट पे अगर हम चेक करना चाहें तो ये कंटेंट हमारे इस पर्टिकुलर साइट पे तो अवेलेबल है, लेकिन ये कंटेंट किस साइट पे और अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, मीन्स किस डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल है, इसको हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिमिलर कीवर्ड। इंटेंडेड रिजल्ट। व्हाट इज द इंटेंडेड रिजल्ट? व्हेन गूगल फाइंड मल्टीपल रिजल्ट फ्रॉम द सेम वेबसाइट द मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट इज लिस्टेड फर्स्ट with other relevant page from that site indented below it. If we found more than two results from the same site, the remaining result can be accessed by clicking the more results from link option. अब देखिए intended result क्या है। intended result basically क्या है कि हमारे पास अगर एक साइट का मैंने कंटेंट सर्च किया, लेकिन ये कंटेंट हमारे पर्टिकुलर ए साइट पे भी अवेलेबल है और ये कंटेंट हमारा पर्टिकुलर बी साइट पे भी अवेलेबल है, तो हमें किस पेज के किस कंटेंट पे एक्सेस करना चाहें तो ये हमें दिखाता है कौन सा इंटेंडेड रिजल्ट्स के। मीन्स हमारे सबसे पहले जो भी हमारा रिलेवेंट ऑप्शन होगा वो रिलेवेंट ऑप्शन सबसे पहले डिस्प्ले होगा, इसके बाद आफ्टर दैट वी कैन डिस्प्ले द अनदर रिजल्ट। इफ़ यू वांट टू सर्च यू वांट टू एक्सेस मोर रिजल्ट फॉर द सेम साइट सेम कंटेंट यू कैन क्लिक जस्ट क्लिक द मोर रिजल्ट फ्रॉम द लिंक मोर लिंक्स एंड यू विल फाइंड द सेम एंड द रिजल्ट। इंटीग्रेटेड रिजल्ट्स। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रिजल्ट? गूगल सर्च technology looks for the most relevant information across all type of internet content, so your results can include image, video, map, news, article, books and more. Means suppose आपने कोई भी content search करना चाहे तो उस particular content से आप document search कर सकते हो, आप images search कर सकते हैं, आप map search कर सकते हैं, आप video search कर सकते हैं, आप news article search कर सकते हैं and many more other things you want to you can search it. Tools and filter. This is the another feature of the Google search engine which is most widely used to search the results. What is this? Tools and search engine filters. The panel along the side of your results page will show the location as well as dynamically show the result mode and filter that are most useful for your particular search. Use these tools to filter and customize the search results you see. मीन्स सपोज करिए आपके पास बहुत ढेर सारे इसमें से रिजल्ट्स, आपके आपने कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट सर्च किया उस कंटेंट से रिलेटेड आपके पास नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले हो गए, लेकिन ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स आप कौन सा रिजल्ट्स किस में डिस्प्ले हुआ, किस साइट पे डिस्प्ले हुआ, इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर कंटेंट हमें इसी एरिया का चाहिए, इसी साइट इसी वेब सर्वर का चाहिए या इसी लोकेशन से डिपेंडेंट होना चाहिए, मेरा ये कंटेंट सिर्फ आप इंडिया पे सर्च करो, ये कंटेंट सिर्फ आप USA पे सर्च करो, ये कंटेंट सिर्फ आप UK पे सर्च करो। मीन्स मैंने पर्टिकुलर एक कंट्री बताया कि ये कंटेंट आप इस कंट्री पे ही सर्च कंटेंट इस पर्टिकुलर कंट्री पे सर्च करो, इसके बाद आप कहीं पर भी इसको सर्च ना करो।
मीन्स मैंने क्या किया यहाँ पर फिल्टर लगा दिया कि उस फिल्टर फिल्टर के बिहाफ पे ये चेक हुआ कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आप नहीं करना चाहिए। लोकेशन, देर इज अनदर फीचर इन द गूगल सर्च इंजन विच इज मोस्ट वाइडली यूज टू सर्च द कंटेंट ऑन द वेबसाइट। वट इज दिस फीचर? दिस फीचर इज कॉल्ड लोकेशन। सपोज इफ यू सर्च एनी कंटेंट विच इज बिलोंग टू सिटी ए, विच इज बिलोंग टू ऑल्सो बिलोंग टू सिटी बी, एंड विच इज ऑल्सो बिलोंग टू सिटी सी, एंड विच इज ऑल्सो बिलोंग टू सिटी डी। सपोज द सेम कंटेंट बिलोंग टू द अनदर सिटी। If you want to search only those content which is belong to city C, if you can't specify any location, the Google search engine show the result by the four cities. But you don't want. You want only the content will display which is belong to location A or which is belong to location C. So you can specify the location of the content which you want to search. मीन्स इस फीचर का यूज़ करके आप ये भी सर्च कर सकते हो कि हमें कौन सा कंटेंट किस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए, किस पर्टिकुलर लोकेशन से ये कंटेंट सर्च होगा। ये हमारा क्या कहता है, लोकेशन टूल बार। इन लोकेशन टूल बार बार यू कैन सेट द लोकेशन ऑफ द कंटेंट विच यू वांट टू सर्च। मुझे कंटेंट सर्च करना है, इस कंटेंट का कौन सी लोकेशन होगी ये लोकेशन भी मैं खुद बताऊंगा। मुझे इस लोकेशन पे चाहिए, ये लोकेशन मैंने बताया। मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए तो मुझे ये पर्टिकुलर लोकेशन बताया। मीन्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी कंटेंट, कोई भी लोकेशन, किसी भी कंटेंट का कोई भी लोकेशन आप चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अगर आपने सेलेक्ट कर लिया फिर आप उसका कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को यानी मीन्स लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। टाइप ऑफ कंटेंट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ द गूगल सर्च इंजन। वट इज द टाइप ऑफ कंटेंट? मीन्स वेन यू सर्च द रिजल्ट यू जस्ट स्पेसिफाई द विच टाइप ऑफ कंटेंट यू वॉन्ट। मीन्स जैसे सपोज मुझे चाहिए कि आपने चेक किया कि मुझे इंटरनेट के बारे में कंटेंट इंफॉर्मेशन, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट। मीन्स लेकिन द ऑल दोज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। मीन्स आप क्या कह सकते हो कि मुझे इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन दो, लेकिन सारे के सारे इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, इमेज के फॉर्मेट में, जीपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, या फिर सिर्फ ओनली डिस्प्ले ओनली दोज इमेज, दोज डॉक्यूमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और विच इज इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट। मीन्स यू कैन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द कंटेंट विच यू वॉन्ट टू सर्च। तो हाउ यू कैन स्पेसिफाई, जस्ट यू गो टू द एडवांस ऑप्शन एंड set the content type, or another way you just type the content and after that you just specify the file type of that content. Means suppose I want to access the internet and I am just type in the Google search bar internet space file type colon, after that the file type means suppose I want to access the PDF, means file type colon PDF, file type colon PPTX, file type colon DOC. Means the Google search engine display only those content which is belong to the file type PDF. Otherwise, and all the content which is not related to that file type PDF will not be displayed. Recommended tools. What are the recommended tools? Limit the result to content that is more personalized to you, that you're better suit. What you are looking for example, see content from your friend's social or content from your geographical area or nearby. Bottom of the page, on the bottom of the page you just see what are the contents referred by the Google, means related search. This is a search which is added by the Google. If you search this content, the Google also add the content related search, means you can also search this content also. Means this is related of your content and it is similar to the content which you want to search. And after that, if you clicking the content, the alternative search result will be displayed about that content. More results. What is the more results option? If the web page or information you are looking for is not on the first page or of the search result, you can click next at the bottom of the page to see the more results. Suppose
just I told earlier the page rank. Suppose if you want to search any content and the content contain thousands page, you want 10,000 page, you want lakhs page. So if you want to access first page, there is the one link is called next. Means if you click the next, you just see the page number 2, page number 2nd, and again you click the next, you just see the page number 3rd. If you want to go randomly on any pane, you just click the numbering of the page. Suppose you want, if you currently you are in the first page number and you just go to the page number 10, so just you click on the Google page number 10, so you just go randomly on the page number 10. Okay, what is the feedback? Next option is a feedback. What is the feedback? Suppose you are not satisfied the Google search results, so you can also submit the feedback, because I am not satisfied the content which is provided by Google. Okay, so after then you just show the Google feedbacks. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, मुझे इस टाइप का कंटेंट चाहिए, लेकिन जब भी मैंने गूगल पे सर्च किया तो पर्टिकुलर कंटेंट मुझे अवेलेबल नहीं हुआ. इस कंटेंट को कृपया आप क्या करें, हेल्पफुल करें कि आप उसको अपडेट करें. सेव सर्च हिस्ट्री. हाउ वी सेव द सर्च हिस्ट्री? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू सेव द सर्च हिस्ट्री? द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेव सर्च हिस्ट्री इज दैट यू कैन मेमोराइज द कंटेंट ऑफ द गूगल सर्च रिजल्ट. मीन्स मैंने सर्च गूगल सर्च किया, तो जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है. आपने जी प्रेस किया, सपोज कर आपको गूगल ओपन करना, जी प्रेस किया, तो जी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे, सारे के सारे कंटेंट क्या हो गए, आपके सामने सारे के सारे URL आपके सामने डिस्प्ले हो गए. इस पर्टिकुलर URL के बिहाव पे आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने ये कंटेंट चेक किया. मैंने ये चीज़ किया था कि ये मैंने साइट सर्च किया था. इसके साथ साथ क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये हिस्ट्री अपडेट होते रहती है. ये हिस्ट्री अपडेट इसलिए करते हैं कि अगर आपको कोई कंटेंट मिस हो रहा, कोई URL मिस हो रहा है, तो आपने अगर लास्ट टाइम पे उसको सर्च किया था, तो उस कंटेंट का कोई भी एक करेक्टर प्रेस करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, ये URL मैंने इससे पहले कभी सर्च किया था कि नहीं सर्च किया था. डिलीट सर्च हिस्ट्री. इट इज़ ऑल्सो ए फीचर ऑन द गूगल सर्च बार विच इज़ यूज टू डिलीट द सर्च हिस्ट्री. बेसिकली इट इज़ द फीचर ऑफ द वेब ब्राउजर्स. इन द टूल्स ऑप्शन यू जस्ट गो द सर्च हिस्ट्री, रिमूव सर्च हिस्ट्री, एंड ऑल द हिस्ट्री विच इज स्टोर्ड ऑन द सिस्टम विल बी क्लियर. नो वन कैन एक्सेस हाउ मच पेज यू वांट यू हैव सर्च्ड. मीन्स आप यू जस्ट डिलीट द ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड, ऑल द हिस्ट्री ऑफ द गूगल सर्च इंजन. योर गूगल सर्च हिस्ट्री में बी स्टोर्ड इन योर वेब ब्राउजर, इन द गूगल टूल बार, और इन योर गूगल वेब हिस्ट्री. सी इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीटिंग द पास्ट सर्च फॉर द ऑल द लोकेशन बाई क्लिकिंग द लिंक बिलो. क्लियर योर ब्राउजर सर्च हिस्ट्री, क्लियर योर गूगल टूल बार सर्च हिस्ट्री, क्लियर योर गूगल वेब हिस्ट्री. बाई यूजिंग दीज क्लियरिंग बाई दीज थ्री हिस्ट्री, यू कैन रिमूव ऑल द कंटेंट ऑफ योर रिलेटेड सर्च फ्रॉम द सिस्टम और गूगल सर्च इंजन. क्लियर द गूगल वेब हिस्ट्री. हाउ यू कैन क्लियर द गूगल वेब हिस्ट्री एंड व्हाट आर द बेसिक पर्पज? सपोज करिए इफ गूगल क्लियर द गूगल वेब हिस्ट्री, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा आपका होगा कि आपके ब्राउजर पे जितने भी नंबर ऑफ गूगल कुकीज़ क्रिएटेड हैं, सारी की सारी कुकीज़ क्या कर देगा, आपको इरेज कर देगा. जब कुकीज़ सारी की सारी डिलीट हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे, सारे के सारे कंटेंट भी क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे. मीन्स नो कैन एक्सेस, नो वन कैन नो हाउ मेनी पेजेज और हाट वाट आर द पेजेज यू वॉन्ट यू हैव एक्सेस्ड. मीन्स यू जस्ट रिमूव योर लास्ट एक्शन, लास्ट प्रीवियस एक्शन विच यू परफॉर्म, यू जस्ट रिमूव. इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि मैंने जो भी कंटेंट किया था, जो भी टास्क मैंने किया, वो टास्क हमारा क्या हो गया, पूरा टास्क रिमूव क्लियर कर दिया गया कि अब कोई भी इस कंटेंट को चेक नहीं कर सकता, कोई भी इस कंटेंट को रिमूव नहीं कर सकता. इससे प्लस पॉइंट एक और भी होगा कि मैंने किस सिक्योर साइट पे विजिट किया था, किस कंटेंट को विजिट किया था, इस कंटेंट को भी कोई देख नहीं सकता. मीन सपोज करिए अगर हमारी पर्टिकुलर उस साइट भी कंटेंट को रिमूव करे, तो पर्टिकुलर किसी को नहीं पता चलेगा मैंने कौन सी साइट विजिट की थी, किस कंटेंट के साथ विजिट की थी. तो इससे आपका डेटा की सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी कि आप डेटा पूरा आपका सिक्योर हो जाएगा. डू इट योरसेल्फ. इन दिस फीचर अब आपके सामने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ गूगल सर्च वर्क.
आपको ये एक्सप्लेन करना है कि गूगल सर्च कैसे वर्क करता है, कैसे गूगल सर्च के करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गूगल सर्च के फीचर हैं और कैसे ये वर्क करता है किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए। सेकंड ऑप्शन इज द हाउ सेफ सर्च हिस्ट्री स्टोर्ड एंड डिलीट। आपको ये चेक करना है कि मैंने कैसे कोई भी सर्च हिस्ट्री है, कोई भी सर्च हिस्ट्री उसको कैसे मुझे स्टोर करना है और कैसे मुझे डिलीट करना है। ठीक है, कैसे इसको स्टोर करेंगे, सपोज करिए आपको सर्च हिस्ट्री आपको डिलीट करनी है तो आप देखेंगे गूगल टूल्स वेब ब्राउजर के टूल्स मेनू में जाइए। टूल्स मेनू में जाने के बाद आपके सामने वहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिलीट द सर्च हिस्ट्री। जब आप डिलीट द सर्च हिस्ट्री ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक एक ऑप्शन आता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, कंटेंट को डिलीट कर सकते हो, मीन्स इसके पेज को डिलीट कर सकते हो, उसके जो भी कंटेंट है, जो भी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। जब आप हिस्ट्री डिलीट करते हैं तो उस हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रिमेंबर पासवर्ड होते हैं, जो भी आपने पासवर्ड यूज किए हैं, उस पासवर्ड को भी क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप कोई भी आपका पासवर्ड, आपका डेटा कोई भी अंदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज इन दिस सेशन। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेफ्ट वी आर डिस्कस अबाउट द एट द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।